अब क्या बोलते है, 2 लाख देते, 50,000 देते, 55,000 देते, बोले एक पैसा नहीं है, पेपरन देना कहते, पेपरन कैसा देते, घर के पेपरन देना कहते, दो 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, कल को हमारा घर का पेपर रख ले को तुम्हारा घर नहीं है, कौन बोले ऐसा, घर के पेपर रखे, ये गवर्नमेंट वाले बोल रहे, गवर्नमेंट वाले घर पे आके बोले, घर पे आके नहीं बोलते तो कहा हम लोग गए थे, किधर गए थे, हम लोग चेयरमैन के पास गए, हम लोग वकील के पास गए, तो 1 लाख देते, वकील के पास गए हम लोग, जुर्माने के वास्ते हमारे उनके लिए पेपर देना पड़ता, जीरोक्स पेपर दियो, लाइक की बिल दियो और टैक्स का दियो, तो किस वजह से देना भाई, हम लोग को क्या 50 लाख दे रहे हैं या 1 करोड़ दे रहे हैं उन लोग, जो हमारे को पेपर मांग रहे हैं उन लोग, तो किस वजह से देना भाई, हम लोग को क्या 50 लाख दे रहे हैं या 1 करोड़ दे रहे हैं उन लोग, जो हमारे को पेपर मांग रहे हैं उन लोग, और यहाँ पे आके देखो, वो तो 5 बजे आता हूँ बोल के बोले, तो उसके बाद 5 बज गए, फोन करे तो फोन नंबर दिए तो पीएम का नंबर दिए, पीएम को फोन करे तो पीएम बोले मेरे घर में शादी है, ठीक है आपके घर में शादी है ना, आपका नंबर क्यों दिए उन्होंने, आप नहीं देना था तो मत देना था फोन नंबर, क्यों दिया आप, आपके पास हम लोग रिक्वेस्ट तो नहीं करे ना, दिए आप मांगे खाली दे दिया, हो गया, हम लोग आए 2 घंटे के बाद आके देखता हूँ करता हूँ, बोले 2 दिन चले, आज 5वां दिन है अभी तक नहीं आया कोई, सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा, पानी निकाल दिए यहाँ से उस्मान नगर से, कुछ भी पानी नहीं निकला है, और पानी जितना निकल गया उतना निकल गया है, जो है वो रहेगा, जो सूखेगा वो रहेगा, पानी कैसा सूखता है, जब बड़ा समंदर रहता है उसका ब्रिज में ब्रिज डालते है बड़े समंदर के अंदर, तो रातों रात ब्रिज भी पड़ता है, गिरता है, इसमें तो ना ब्रिज गिर रहा ना कुछ नहीं, अभी तो छोटा मैदान ये है तालाब, ये पानी जाने के लिए डीप करिए, और थोड़ा रास्ता उसको भी डीप करिए, तालाब भी डीप नहीं कर रहे वो लोग, और क्या बोल रहे हैं कि पानी सूखेगा तो उतना ही काम होगा, हमारा जितना करना कर दिया, मिट्टी से डालो, अच्छा मट्टी डाल रहे बोल रहे, मट्टी भी नहीं आ रही, खाली नाम की मट्टी, गवर्नमेंट डाल रही डाल रही, कौन सी गवर्नमेंट, एक लारी डाल के बताओ, कौन सी गवर्नमेंट डाल के एक लारी डाल रही बताइए मेरे को, क्या उन्होंने लिख के पढ़े कि कोई बस्ती के कोई भी एक आदमी बोल दिया कि हमारे गवर्नमेंट डाल के गए तो मैं मानती हूँ, ये मुजाइन बोल के एक आए और मजर भाई बोल के एक मिट्टी के जो कंडीशन वाले वो लोग डाल के गए मट्टी, अब उन लोग भी फोन कर रहे हैं तो ओला बोले हमारे को आने का ऑर्डर नहीं है, अम्मा हम नहीं आ सकते इधर, सीधा एक ही बात कर रहे हो लोग भी, अब करना तो क्या करना बताइए, अब कब तक हम लोग बैठना, 6ठा महीना शुरू होगा, 16 तारीख को 6ठा महीना लग गया हम लोग को, सितंबर की बात, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी होगा, जनवरी भी अब खत्म पे है, अब फेब्रुवरी लगा तो कितना महीना हो रहा, हिसाब लगा दीजिए आप लोग, क्या 10,000 तो पूरे हिंदुस्तान में पूरे यहाँ पे पूरे हैदराबाद को बांटे, जो हैदराबाद में नुकसान ही नहीं हुआ, जिसको नहीं मिला, नहीं नहीं हैदराबाद में जिसको नुकसान हुआ ही नहीं है वो लोग को भी बांटे, वो लोग तो उसमें क्या एहसान करे, हम लोग को 1 लाख रुपया दिए तो भी उनका सामान नहीं आता, 1 लाख में भी उनको बोलिए आके हमारा पानी निकाल दीजिए, उनकी मेहरबानी तो हमारा अच्छा रहेगा, ये 35 साल की बस्ती है तो 1-2 साल की बस्ती नहीं है, जो लोग बोल रहे कि पानी नहीं, और सिकंदराबाद में भी तालाब है, जलपल्ली में तालाब है, हर जगह पे मकाना भी है तालाब के साथ साथ, ये तालाब क्यों कीर्ता है लोग कर रहे हैं, जब मकान बने वक्त उस वक्त भी टैक्स क्यों लिए, लैकी बिल क्यों लिए, और रजिस्ट्री क्यों करे ये बात, सविता मैडम तो जो गए उन्होंने अक्टूबर में उसके बाद उन्होंने दिखे नहीं है, उनकी गाड़ी भी आ रही थी, 3 महीने का वादा करके गाड़ी रोड बनाऊंगी मैं, वो रोड तो छोड़ो पर यहाँ का पानी निकाल दिया तो बड़ी बात है, ये मोरिया जो है ना, ये मोरिया आप देखिए, ये मोरिया पूरा शाही नगर का पानी यहाँ आ रहा, अब ये पानी जाएगा तो अब ये सूखेगा तो 6 महीने के बाद फिर पानी आएगा हम लोग को, किस तरह से हम लोग रहेंगे बताइए, 6 महीने यूँ निकल जाएंगे फिर पानी के दिना शुरू हो जाएंगे, अब करना तो क्या करना, आप लोग कुछ भी मदद कर सके तो पानी निकालने के लिए हमारी मदद करें, अच्छा किसी को मदद के लिए किसी को पूछना चाह रहे या कोई भी नहीं है, लीडर्स जो अपने अपने रहनुमा बोलते हैं लोगों के, जो लोग कोई भी नहीं है आपको पुरसा नहीं आया, कोई नहीं सिर्फ हमारे जमात से एक सही भाई के घर से जो भी आ रहा, सही भाई के घरों से आ रहा, और हर चीज की कर रहे हम लोग की मदद, खाने से पीने से हर चीज, पलंग से लेके हर चीज दिए, नहीं दिए बोलते नहीं बोल रहे उन्होंने हर चीज से कर रहे, पर गवर्नमेंट की तरफ से रुपया भी नहीं है, और अमजदुल्ला खान जो है ना उन्होंने बहुत मदद करे हमारी, किस तरह मदद करे वो अल्लाह बेहतर जानता है, उनको तो अल्लाह और अच्छा रखो, आगे भी उनको अच्छा रखो, उनके बीवी बच्चों को उनके बाल बच्चों के साथ, और बाकी हम अमजदुल्ला खान का इंतजार करते बैठे हम लोग की कोई तो भी आएगा यहाँ पे देखेगा, एक बोलते कि लोग दूसरे गांवों को जाके मदद कर रहे हैं पर यहाँ अपने लोग अपनी मदद करने के लिए नहीं आ रहे, खाली एक अमजदुल्ला खान के पास गए तो उन्होंने मदद करे हमको,
और इतना पानी निकला, इतना हुआ। अभी अमजदुल्ला खान से हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी इतना पानी वो भी निकाल दीजिए। बोलो अगर मदद जो कर रहे तो अमजदुल्ला खान सब कर रहे और कोई भी नहीं। अब एक अमजदुल्ला खान से हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी इतना पानी निकाल दीजिए और इतना पानी आगे भी हमारी मदद करो। बोलो सुने, मैं कल भी उनका वीडियो देखी कि उन्होंने बहुत कुछ की मदद कर रहे हैं अमजदुल्ला खान साहब, पर हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान है। हम लोग को पानी निकालिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग किराया बचा है ना, तो वो किराया हम लोग घर में बैठ के हम पका के खा सकते। हमारे को इंदाद भी नहीं दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे को पानी निकालिए। आज कहाँ गए लोग, ये लोग कहाँ गए वोट लेते, हम आवाम होके उनको सीटों पर बिठा दे ये बोल के हमारे घरों की बस्ती का इंतजार करेंगे, उन्होंने कुछ तो हमारे करेंगे। आज ये वक्त पे कहाँ गए सविता मैडम भी, कहाँ गए यहाँ का मैडम, तो यहाँ आके देख रहे भी नहीं कि कौन से लोग है क्या है, इतनी भी उनकी वो उनके लिए कुछ भी ऐसा है नहीं क्या, इंसान की हमदर्दी नहीं रह गई है। केसिया साहब किधर गए, केसिया साहब तो बहुत मदद करते बोल के सुने हम, केसिया साहब का तो बहुत काम सुने, आज आएंगे बोल के सोचे हम, केसिया साहब आएंगे आएंगे। केसिया साहब एक बार तो आना था गरीब बस्ती में, क्यों नहीं आए केसिया साहब? वो मिनिस्टर साहब भी नहीं आए आपको, कोई कोई नहीं आए आपके, यहाँ कोई नहीं आए सुने, यहाँ कोई कोई नहीं आए, कैसा दिख रहे जानवर दिख रहे हैं यहाँ पे, इंसान नहीं दिख रहे हम लोग, जानवर दिख रहे हैं। केसिया केटीआर जो भी है हम लोग बहुत सुने थे लोग के नामा के, लोग बहुत मदद कर रहे हैं। मैं एक कहानी भी उनकी सुन के आई थी, पर उन्होंने यहाँ आके अगर करते थे तो हम भी बहुत मानते थे। खाली ये करने से सुनने से कुछ भी नहीं होता है, सामने आके हम मदद करें तो हम मानते कि हाँ मदद करें, बल्कि ये सीट पे बैठ के खाली थोड़ी बहुत मदद करेंगे और पीछे से हमारा काम हम करेंगे तो वो नहीं होता। सुने ये मदद करो बोलो केसिया साहब और केटीआर साहब, ये आप किधर कौन से कोने में बैठे हुए, आप सीट पे बैठे हुए हैं या सीट के बाहर बैठे हुए, जरा आइए यहाँ पे देखिए।